अब सिक्कों के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अभी आप एटीएम मशीन पर पैसे निकाले जाते हैं तो एटीएम कार्ड डालकर खरे नोट बाहर निकलते हैं, मगर अब एटीएम से सिर्फ करेंसी नोट ही नहीं सिक्के भी बाहर निकलेंगे। इसके लिए क्यूआर आधारित वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। शुरुआत में 12 शहरों में वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। इन मशीनों की खासियत ये होगी कि इनसे सिक्के निकालने के लिए आपको नोट देने की जरूरत नहीं है। ये मशीनें क्यूआर आधारित होंगी, यानी आपको सिर्फ क्यूआर कोड को स्कैन करना है और आपके यूपीआई खाते से पैसे का भुगतान करके सिक्के ले सकेंगे। आरबीआई गवर्नर ने बताया है कि ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो इन मशीनों के जरिए सिक्कों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बैंकों को भी गाइडलाइंस जारी की जाएगी। इन कॉइन वेंडिंग मशीन से कोई भी ग्राहक अपने यूपीआई ऐप के जरिए मशीन के ऊपर लगे क्यूआर कोड स्कैन करके सिक्के निकालने में सक्षम होगा। जितनी कीमत के सिक्के ग्राहक निकालेगा उसके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से वो राशि डेबिट हो जाएगी। बिल्कुल आसान प्रोसेस से, जिस तरह आप एटीएम पर जाकर अपने डेबिट कार्ड के जरिए नोट निकालते हैं, वैसे ही इस मशीन से आप क्यूआर कोड स्कैन कर सिक्के निकाल सकेंगे। इसका मकसद देश में सिक्कों की किल्लत दूर करना है। कॉइन वेंडिंग मशीन्स को रेलवे स्टेशन, मॉल्स और मार्केट्स पर लगाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद आरबीआई कॉइन वेंडिंग मशीन्स पर बैंक्स के लिए गाइडलाइंस जारी रहेगा। हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल करेंसी को लेकर बी पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। पहले चरण में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में इसे लॉन्च किया गया था। सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ही ग्राहक डिजिटल करेंसी में लेन देन कर सकेंगे। आरबीआई का ई रुपए ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। अगर पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो आने वाले दिनों में इसे पूरे देश में लॉन्च कर दिया जाएगा। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।